द सैंडमैन सीजन 1 एपिसोड 125। ये कहानी नील गैमन की लिखी फैंटेसी कॉमिक बुक्स पर बेस्ड है। डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के लूसिफर मॉर्निंग स्टार भी पहले इसी कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस हुए थे। आगे चल के लूसिफर की सेपरेट कॉमिक्स बनने लगे। लाइव एक्शन वर्जन में लूसिफर का शो पहले आया था, लेकिन वो शो नेटफ्लिक्स के बनाए सैंडमैन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। शायद लूसिफर और जॉन कॉन्स्टेंटाइन जैसे कैरेक्टर कन्फ्यूजन को दूर करने ही शो रनर्स ने इन दोनों कैरेक्टर्स के जेंडर चेंज कर दिए। एनीवेज, कहानी के डिटेल्स में जाने से पहले थोड़े बेसिक्स जान लेते हैं। तो ऑलरेडी कैरेक्टर के नाम सुनकर आप समझ गए होंगे कि ये स्टोरी भी बहुत सारे रिलीजियस मिथोलॉजी से इंस्पायर्ड है। ये कहानी है 7 एंडलेस सिबलिंग्स की। एंडलेस को ऊपर वाले ने इंसानों की सेवा करने के लिए बनाया था। एंडलेस की फैमिली में शामिल है ड्रीम, डिजायर, डिस्पेयर, डेस्टिनी, डिस्ट्रक्शन, डिलीरियम और डेथ। इन सब के अपने अलग अलग रॉम्स थे जहां वो राज करते थे। ये सारे उनकी नेचुरल पावर्स की मदद से इंसानों की सेवा करते हुए उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे। वेल, एटलीस्ट उनका कोर जॉब प्रोफाइल तो यही था। लेकिन ह्यूमंस की तरह ही इनमें से कुछ सिबलिंग्स भी पावर और ईगो के चक्कर में खुद ही रास्ता भटक गए। इस स्टोरी का मेन फोकस ड्रीम एके लॉर्ड मॉर्फियस या सैंडमैन पर होगा। ह्यूमंस जब सपने देखते हैं तब उनकी आत्माएं वेकिंग वर्ल्ड से निकलकर ड्रीम वर्ल्ड यानी लॉर्ड मॉर्फियस के सपनों की दुनिया में आते थे। सपनों के जरिए मॉर्फियस ह्यूमंस के अंदर उम्मीद जगाता था कि कोशिश करने पर एक दिन उनके सपने जरूर सच होंगे। लेकिन सारे ह्यूमंस अच्छे थोड़ी होते हैं, तो भटके हुए ह्यूमंस को चेतावनी देकर सही रास्ते पर लाने मॉर्फियस ने नाइटमेयर्स को बनाया। ऐसे डरावने सपने जो ड्रीम डायमेंशन में ह्यूमंस को उनकी डार्क रियलिटी दिखाकर सही रास्ते पर लाएंगे। एक दिन सपनों के राजा लॉर्ड मॉर्फियस को पता चला कि कोरिंथियन नामी नाइटमेयर ने बगावत कर दी। कोरिंथियन वेकिंग वर्ल्ड में जाकर इंसानों को मार रहा था। नाइटमेयर्स के पास खुद की आत्मा नहीं होती, तो कोरिंथियन इंसानों को मारकर उनकी आंखें खा जाता था। वो कहते हैं ना, आईज आर द गेटवे टू योर सोल। तो भाई इसको इंसानों की आंखें चबाकर कुछ देर के लिए ह्यूमैनिटी एक्सपीरियंस करने का शौक चढ़ गया था। लॉर्ड मॉर्फियस ने नाइटमेयर को सबक सिखाने वेकिंग वर्ल्ड में जाने का डिसीजन लिया। ड्रीम वर्ल्ड की लाइब्रेरियन लूशियन ने मॉर्फियस को चेतावनी दी कि नाइटमेयर्स को तो वेकिंग वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ड्रीम्स वेकिंग वर्ल्ड में जाते ही कमजोर पड़ जाते हैं। मॉर्फियस उसकी चेतावनी को इग्नोर करते हुए उसका बैड एस हेल्म पहनकर वेकिंग वर्ल्ड यानी इंसानों की दुनिया में चला गया। दूसरी तरफ डॉक्टर हैथवे मैजिशियन रॉड्रिक बर्जेस से मिलने चले गए। इन दोनों ने हाल ही में अपने जवान बेटे खो दिए थे। रॉड्रिक डॉक्टर हैथवे की लाई किताब में से मंत्र पढ़ के डेथ को कैद करना चाहते थे ताकि फिर वो डेथ को ब्लैकमेल करके अपने बेटों को वापस जिंदा कर पाए। उधर मॉर्फियस ने कोरिंथियन को रंगे हाथ पकड़ लिया। लॉर्ड मॉर्फियस इसे मारने ही वाला था कि तभी अचानक से वो टेलीपोर्ट होकर रॉड्रिक के बेसमेंट में चला गया। जमीन पर बने सिंबल ने ड्रीम को कमजोर कर दिया था। इसी मौके का फायदा उठाकर रॉड्रिक ने ड्रीम से उसका हेल्म, सैंड और रूबी लगा नेकलेस छीन लिया। इन ऑब्जेक्ट्स के छीने जाने के बाद ड्रीम और भी ज्यादा कमजोर हो गया। कुछ देर बाद ही यहां पर कोरिंथियन चला आया। कोरिंथियन ने रॉड्रिक को बताया कि उन्होंने डेथ के बजाय ड्रीम को पकड़ लिया, लेकिन अगर चाहे तो ये भी रॉड्रिक की ख्वाहिशें पूरी कर सकता है। बट सिर्फ जमीन पर बनी सील से काम नहीं चलने वाला। सैंडमैन को आजाद होने से रोकना है तो उसे बड़े से कांच के गोले में कैद करना होगा। कोरिंथियन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए रॉड्रिक ने बिल्कुल ऐसा ही किया। रॉड्रिक के लाख कोशिश करने के बावजूद भी ड्रीम ने उसकी नहीं सुनी। चाहे कुछ भी हो जाए, ड्रीम रॉड्रिक की मदद नहीं करने वाला। बरसों तक ड्रीम यहीं बेसमेंट में कैद रहा। ड्रीम से छीने ऑब्जेक्ट्स की मदद से रॉड्रिक और उसके फॉलोअर्स को लंबी उम्र और ढेर सारी दौलत मिली। लेकिन ड्रीम वर्ल्ड से मॉर्फियस के अचानक गायब होने की वजह से लाखों ह्यूमंस सपनों की दुनिया में अटक गए और कईयों की तो नींद ही उड़ गई। डॉक्टर्स ने इस बीमारी को स्लीप सिकनेस का नाम दिया। यूनिटी किनकेड नामी एक बच्ची भी इस बीमारी का शिकार बनी थी। ये नाम याद रखना। रॉड्रिक के बेटे एलेक्स को ड्रीम पर दया आने लगी। ये ड्रीम को कैसे आजाद करना चाहता था कि तभी रॉड्रिक ने उसकी बातें सुन ली और ड्रीम के सामने ही उसे कूट दिया। ड्रीम हमेशा अपने साथ एक रेवन को लेकर घूमता था। बरसों से ड्रीम और उसका रेवन जस्मी एक दूसरे के साथ थे। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी रॉड्रिक इस रेवन को नहीं मार पाया। एलेक्स को अगर अपनी वफादारी साबित करनी है तो इस रेवन को मारना होगा। जैसमी ने घर में आग लगाकर गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट किया और ड्रीम को आजाद करने नीचे बेसमेंट चला गया। जैसमी ने चोंच मार मार कर ग्लास को तोड़ने की कोशिश की, पर तभी एलेक्स ने उस पर गोली चला दी। एलेक्स ने ड्रीम की आंखों के सामने
उसके बेस्ट फ्रेंड को मार दिया। भाई इसकी तो भारी सजा मिलेगी। रॉड्रिक की पॉपुलैरिटी देखकर एथेल उसकी पार्टी में चली गई। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। कुछ दिनों बाद ये एथेल प्रेग्नेंट हो गई, बट रॉड्रिक नहीं चाहता था कि वो इस बच्चे को जन्म दे। रॉड्रिक फौरन डॉक्टर बुलाने बाहर चला गया। इसी मौके का फायदा उठाकर एथेल घर से भाग गई। जाने से पहले ये ड्रीम के गैजेट्स भी अपने साथ ले गई। रॉड्रिक ये देखकर काफी गुस्सा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता है। रॉड्रिक ने सारा गुस्सा एलेक्स पर निकाल दिया। एलेक्स का सबर भी अब टूटने लगा था। इनके बीच चली हाथापाई में एलेक्स ने रॉड्रिक को केज की ओर ढकेल दिया। कांच से टकराते ही रॉड्रिक का सर फूट गया और उसने जगह पर ही दम तोड़ दिया। रॉड्रिक के मरने के बाद एलेक्स उसके बॉयफ्रेंड के साथ खुशहाल जिंदगी बिताने लगा। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू द प्रेजेंट टाइम। बूढ़ा एलेक्स उसके पार्टनर के साथ आखिरी बार मॉर्फियस से मिलने चला गया, जो अब भी यही बेसमेंट में बंद था। मॉर्फियस को अब भी इससे कोई बात नहीं करनी थी। वापिस जाते वक्त एलेक्स के व्हीलचेयर से जमीन पर बनी सील टूट गई। इसी मौके का फायदा उठाकर मॉर्फियस एक गार्ड के सपने में घुस गया और उसे केज पर गोलियां चलाने के लिए उकसाया। गार्ड्स ने मॉर्फियस के कंट्रोल में ग्लास को तोड़ दिया। ग्लास के टूटते ही मॉर्फियस फाइनली आजाद हो गया। ड्रीम रूम में जाने से पहले मॉर्फियस ने बूढ़े एलेक्स को हमेशा हमेशा के लिए सपनों की दुनिया में कैद कर दिया। मॉर्फियस के आजाद होते ही कोरिंथियन भी समझ गया कि जल्दी इसका फन टाइम खत्म होने वाला है। ड्रीम रूम पहुंचकर मॉर्फियस ने देखा कि उसका किंगडम पूरी तरह से तबाह हो गया था। मॉर्फियस के जाते ही यहां की रियलिटी सड़ने लगी थी। लूशियन को छोड़कर मॉर्फियस के साथी भी उसे छोड़कर वेकिंग वर्ल्ड में चले गए। मॉर्फियस आजाद तो हो गया, लेकिन ये अब भी काफी कमजोर है। अपने पावर्स को वापस लाने मॉर्फियस को पहले उन तीन ऑब्जेक्ट्स को ढूंढना होगा, उसका हेल्म, सैंडबैग और रूबी लगा नेकलेस। मॉर्फियस के सिबलिंग्स उसकी कैद के बारे में जानते थे, लेकिन फिर भी उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। यानी अपने रैम को रिस्टोर करने भी इसे आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट्स की तलाश में निकलने से पहले मॉर्फियस को पावर बूस्टर की जरूरत थी। ड्रीम वर्ल्ड में मॉर्फियस की बनाई सिर्फ एक चीज ही सही सलामत थी, ग्रेगरी नाम का ये गार्गॉयल, जो मॉर्फियस ने एबल और केन को गिफ्ट किया था। हाँ, वही बिब्लिकल कैरेक्टर जो दुनिया के सबसे पहले मर्डर में इन्वॉल्व थे। केन बना पहला मर्डरर और एबल बना पहला मर्डर विक्टिम। बस तब से लेकर आज तक ये लोग ड्रीम वर्ल्ड में वही करते आ रहे हैं। केन एबल को मार देता है और दूसरे दिन एबल फिर से जिंदा होकर केन के साथ ब्रेकफास्ट करता है। ओके, थोड़े से पावर को हासिल करने के चक्कर में मॉर्फियस ने ग्रेगरी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। काफी इमोशनल सीन था ये। बूस्टर डोज मिलते ही मॉर्फियस थ्री फेट से मिलने चला गया, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मॉर्फियस इन्हें गिफ्ट्स देकर अपने खोए हुए ऑब्जेक्ट्स के बारे में इनसे तीन सवाल पूछेगा। फिर फेट्स पहले में जवाब बताकर मॉर्फियस को उन ऑब्जेक्ट्स की लोकेशन बताएंगे। मॉर्फियस ने नाइटमेयर के तालाब में डुबकी लगाकर दो ऑब्जेक्ट्स निकाले, सांप और एक अंडा। मॉर्फियस ने सांप फेट्स को गिफ्ट कर दिया और उनसे अपने तीन सवाल पूछे। फेट्स ने मॉर्फियस को बताया कि उसका सैंड बैग जोआना कॉन्स्टेंटाइन ने खरीद लिया। किसी ह्यूमन लेडी ने एमुलेट ऑफ प्रोटेक्शन के बदले मॉर्फियस का हेल्म एक डीमन के साथ ट्रेड कर दिया। और थर्ड ऑब्जेक्ट यानी वो रूबी नेकलेस रॉड्रिक के बेटे जॉन डी के पास है। फिर हमने देखा कि इथेल अब भी जिंदा है। कोरिंथियन इथेल से सैंडमैन के ऑब्जेक्ट्स के बारे में पूछताछ करने आया था, बट इथेल ने एमुलेट ऑफ प्रोटेक्शन की मदद से कोरिंथियन को वापस ड्रीम वर्ल्ड में पहुंचा दिया। यस, इसी ने वो हेल्म डीमन के साथ ट्रेड किया था। कोरिंथियन को निपटाकर इथेल उसके बेटे जॉन से मिलने चली गई। रूबी के वश में आकर जॉन पूरी तरह से पगला गया था। एक हाथ से में तो इसने ढेर सारे लोगों की भी जान ली थी। बस तब से इथेल ने इसे इस मेडिकल फैसिलिटी कम प्रिजन में बंद करके रखा था। वेकिंग वर्ल्ड में जाने से पहले लूशियन ने मॉर्फियस को नया रेवन पार्टनर दिया, मैथ्यू। जाते जाते मॉर्फियस ने वो अंडा केन और एबल को गिफ्ट कर दिया, जिसके अंदर से एक और नन्ना गार्गॉयल बाहर निकला। ड्रीम वर्ल्ड पहुंचते ही कोरिंथियन ने लूशियन को बताया कि वो अब लॉर्ड मॉर्फियस से नहीं डरता। मॉर्फियस को वो ऑब्जेक्ट्स मिलने से पहले ही कोरिंथियन कोई ना कोई रास्ता ढूंढकर उसे हरा देगा। फिर हमारी मुलाकात हुई एक्सोसिस्ट कम डीमन स्लेयर जोआना कॉन्स्टेंटाइन से। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, शो ने जॉन कॉन्स्टेंटाइन या कॉन्स्टेंटाइन का जेंडर स्वैप कर दिया, या तो कंफ्यूजन दूर करने या फिर कैरेक्टर राइट्स का इशू होगा। ओके, कुछ सालों पहले कॉन्स्टेंटाइन ने एक डीमन को बैनिश करते वक्त इस मासूम बच्ची को खो दिया था। बस तब से कॉन्स्टेंटाइन को उसी रात के डरावने सपने आ रहे थे। प्रेजेंट टाइम में कॉन्स्टेंटाइन बकिंगम पैलेस की प्रिंसेस की प्राइवेट वेडिंग अटेंड करने गई थी। चर्च को लग रहा था कि शायद किसी डीमन ने प्रिंसेस पर कब्जा कर लिया,
बट एक्चुअल में डीमन प्रिंसेस में नहीं बल्कि उसके होने वाले फुटबॉलर हस्बैंड में था। मॉर्फियस भी उसकी सैंडबैग को ढूंढते हुए यहाँ चला आया। मॉर्फियस बरसों पहले भी एक कॉन्स्टेंटाइन से मिल चुका था, लेकिन उसके बारे में आगे बात करेंगे। ये डीमन जानता था कि मॉर्फियस का हेल्म हेल के कौन से डीमन के पास है। मॉर्फियस ने कॉन्स्टेंटाइन को रोकने की काफी कोशिश की, बट इसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके कॉन्स्टेंटाइन ने उस डीमन को वापस जहन्नुम भेज दिया। हेल्म तो हाथ से निकल गया, लेकिन सैंड लिए बिना मॉर्फियस कहीं नहीं जाने वाला। कॉन्स्टेंटाइन ने ड्रीम की सैंड बैग अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रेचल के घर पर छोड़ी थी। फिर ये दोनों मैथ्यू के साथ रेचल के अपार्टमेंट चले गए। ड्रीम की सैंड ने रेचल और उसके घर को पूरी तरह से करप्ट कर दिया था। घर में घुसते ही कॉन्स्टेंटाइन भी एक सपने में चली गई। मामला गड़बड़ लगते ही मॉर्फियस भी अपार्टमेंट के अंदर घुस गया और रेचल को सपने से बाहर निकाला। रेचल पूरी तरह से सैंड के चपेट में आकर ड्रीम डायमेंशन में अटक गई थी। इसे अब कोई बचा नहीं सकता। सैंड को रेचल से दूर करते ही उसका मरना तय है। ड्रीम रेचल की बिना कोई परवाह किए सैंड को लेकर वहां से जाने लगा। ये देखकर कॉन्स्टेंटाइन ने उसे गुस्से में बहुत खरी खोटी सुनाई। अगर एंडलेस का काम ह्यूमंस को सर्व करना है तो ये रेचल को ऐसे तड़पते हुए मरने कैसे दे सकता है। कॉन्स्टेंटाइन की बातों से प्रभावित होकर ड्रीम ने रेचल को पीसफुल मौत दी। रेचल के मरने के बाद ड्रीम कॉन्स्टेंटाइन को गुड बाय बोलकर हेल डायमेंशन में चला गया। जाने से पहले इसने कॉन्स्टेंटाइन के नाइटमेयर्स भी उससे छीन लिए। आज के बाद कॉन्स्टेंटाइन को कभी उस रात वाले डरावने सपने नहीं आएंगे। एमुलेट ऑफ प्रोटेक्शन ने इथेल को इतने सालों तक जिंदा रखा था। इथेल नहीं चाहती कि मॉर्फियस उस रूबी को ढूंढते हुए उसके बेटे जॉन को मार दे। जॉन की भलाई के लिए इथेल ने वो एमुलेट उसके हवाले कर दिया। रूबी की डार्कनेस से जॉन को पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया था। एमुलेट ऑफ प्रोटेक्शन पहनने के बाद जॉन को अपनी रक्षा करने के लिए किसी रूबी नेकलेस की जरूरत नहीं। एमुलेट ऑफ प्रोटेक्शन को गले से निकालते ही इथेल की उम्र तेजी से बढ़ने लगी और उसने जॉन की बाहों में दम तोड़ दिया। जॉन एमुलेट को पहनने के बाद अंडरग्राउंड होने की बजाय गार्ड्स को मारकर सैंडमैन से निपटने चला गया। सैंडमैन का वो रूबी नेकलेस लोगों की सच्चाई को सामने लाकर झूठ को इस दुनिया से मिटाने की ताकत रखता है। जॉन का मानना था कि सैंडमैन सपने दिखाकर इंसानों को झूठी उम्मीद देता है। जॉन का सपना है कि वो सैंडमैन मुक्त दुनिया बनाकर इंसानों को झूठ में डूबने से बचाए। इस असाइलम में कैद होने से पहले जॉन ने उस रूबी नेकलेस को अल्टर कर दिया था, यानी अब जॉन के अलावा दूसरा कोई भी उस रूबी को नहीं यूज कर सकता। इथेल के मरते ही एमुलेट ऑफ प्रोटेक्शन की मदद से जॉन कैद से आजाद हो गया। बाहर आते ही जॉन की मुलाकात कोरिंथियन से हुई। ठंडे से बचने कोरिंथियन ने जॉन को अपना जैकेट दे दिया। कोरिंथियन जानता था कि उस रूबी की मदद से यह सैंडमैन को ठिकाने लगा सकता है। अपने हेल्म को ढूंढते हुए मॉर्फियस मैथ्यू के साथ हेल रम में चला गया। हेल डायमेंशन का गेट कीपर मॉर्फियस को लूसीफर मॉर्निंग स्टार से मिलवाने ले गया। रास्ते में मॉर्फियस की मुलाकात एक पुरानी लवर से हुई। सदियों पहले इस लेडी ने मॉर्फियस को धोखा दिया था, लेकिन इतने सालों बाद भी आज तक मॉर्फियस ने उसे माफ नहीं किया। मैं भी कुछ हजार साल और जहन्नुम में सजा काटने के बाद शायद मॉर्फियस इसे माफ कर दे। एनीवेज, डीमन के पीछे पीछे आखिरकार मॉर्फियस और मैथ्यू लूसीफर के कासल में पहुंच गए, जहां लूसीफर और मेज़िकिन ऑलरेडी इनका इंतजार कर रहे थे। लूसीफर ने मॉर्फियस के कहने पर हेल के सारे डीमंस को एक जगह पर बुला लिया। फिर मॉर्फियस ने सैंड की मदद से हेल्म के करंट ओनर को ढूंढ लिया। लेकिन ये डीमन इतनी आसानी से मॉर्फियस को हेल्म वापस नहीं करने वाला। अगर हेल्म चाहिए तो पहले मॉर्फियस को इसे लड़ाई में हराना होगा। ट्रायल बाय कॉम्बैट, मॉर्फियस ने लड़ाई के लिए खुद को चुन लिया, बट उस होशियार डीमन ने अपने साइड से लूसीफर को चुना। यानी अब लूसीफर और मॉर्फियस के बीच वॉर ऑफ विट्स होगा। लेकिन ये कोई आम हाथापाई वाली लड़ाई नहीं, बल्कि मेमोरी चेस की तरह शब्दों की लड़ाई थी। जो वर्चुअल बैटल ग्राउंड में सबसे बेस्ट चाल चलेगा, जीत उसी की होगी। बाय द वे, वर्चुअल बैटल ग्राउंड में जो भी होगा उसको इनकी बॉडीज रियलिटी में फील करेंगे। 2-3 फेल अटेम्प्ट्स के बाद मॉर्फियस ने आखिरकार होप को चुना। लूसीफर की समझ आया कि इस यूनिवर्स में उम्मीद का कोई तोड़ नहीं। अगर हेल में सड़ने वालों को हेवन में जाने की उम्मीद नहीं होती तो हेल का सिस्टम कैसे चलता। इस सिचुएशन में उम्मीद पर यूनिवर्स कायम है। आखिरकार उम्मीद के आगे लूसीफर ने भी हार मान ही ली और मॉर्फियस ये लड़ाई जीत गया। हेल्म को पहनते ही मॉर्फियस को उसकी रूबी की लोकेशन भी पता चल गई और वो मैथ्यू के साथ हेल से निकलकर सीधा रूबी लेने चला गया। लेकिन मॉर्फियस ने लड़ाई में लूसीफर को हराकर सबके सामने उसकी भारी इंसल्ट कर दी थी। लूसीफर से पंगा लिया है तो इतने आसानी से नहीं बचने वाले। उधर असालेम से बाहर निकलते ही एक भली औरत ने जॉन को लिफ्ट दे दी,
लेकिन जॉन की गाड़ी में बैठने के कुछ देर बाद ही रोजमेरी को पता चला कि उसने एक साइको मर्डरर को लिफ्ट दिया है। रोजमेरी ने गैस स्टेशन पर सेटिंग लगाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन एमुलेट ऑफ प्रोटेक्शन की मदद से जॉन ने गैस स्टेशन ऑपरेटर को ही मार दिया। ये देखकर रोजमेरी चुपचाप जॉन को उसकी बताई लोकेशन पर ले गई, लेकिन मॉर्फियस ने हेल्म की मदद से जॉन से पहले उस रूबी को ढूंढ लिया। रूबी को हाथ में उठाते ही मॉर्फियस समझ गया कि किसी ने इसके साथ छेड़खानी की थी। ये रूबी तो अब मॉर्फियस की भी नहीं सुनने वाला। फिर इस रूबी से निकली एनर्जी ने मॉर्फियस और मैथ्यू को बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद ही जॉन भी यहां पहुंच गया। जॉन जमीन पर पड़े रूबी को उठाकर बाहर चला गया। जाने से पहले मदद के बदले इसने रोजमेरी को अपना एमुलेट ऑफ प्रोटेक्शन दे दिया। रोजमेरी को अब डरने की कोई जरूरत नहीं। जब तक ये एमुलेट रोजमेरी के पास है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रूबी मिलने के बाद जॉन को भी इस एमुलेट की जरूरत नहीं। फिर रोजमेरी को घर भेजकर जॉन दुनिया बदलने निकल पड़ा। जॉन वो रूबी नेकलेस लेकर एक डाइनर में घुस गया। मेरे हिसाब से ये वाला एपिसोड पूरे सीरीज का बेस्ट एपिसोड था। इसे रिकैप में सुनकर जस्टिस नहीं मिलने वाला। यू हैव टू रीवॉच इट। जॉन ने रूबी से निकली एनर्जी की मदद से डाइनर में बैठे सारे लोगों का असली सच बाहर निकाला। धीरे धीरे डाइनर का माहौल इतना इंटेंस हो गया कि रूबी के वश में आए सारे लोग एक दूसरे को मारने लग गए। जॉन ये सब देखते हुए आराम से बैठा आइसक्रीम खा रहा था। होश आते ही मॉर्फियस भी रूबी की तलाश में इस डाइनर चला आया। मॉर्फियस ने जॉन को समझाया कि सपने लोगों को झूठी उम्मीद नहीं देते, बल्कि सपने तो लोगों को अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए मोटिवेट करते हैं। लेकिन रूबी से करप्टेड जॉन को ये बातें कहां समझने वाली थी। जॉन को तो मॉर्फियस को मारकर झूठ या ड्रीम मुक्त नई दुनिया बनानी थी, लेकिन मॉर्फियस को बस उसी के रम में मारा जा सकता है। तो जॉन मॉर्फियस को मारने ड्रीम रम में चला गया। रूबी की मदद से जॉन मॉर्फियस पर भारी पड़ने लगा। आखिरकार जॉन ने रूबी के टुकड़े करके मॉर्फियस को मार दिया। वेल, एटलीस्ट उसे तो ऐसा ही लगा कि उसने मॉर्फियस को मार दिया, लेकिन रियलिटी में तो यह सब मॉर्फियस की ही चाल थी। रूबी के टूटते ही उसमें से निकली एनर्जी मॉर्फियस के अंदर चली गई और अब मॉर्फियस पहले से भी कहीं ज्यादा पावरफुल बन गया। मॉर्फियस के भी फाइनली समझ आ गया कि उसे अब इन ऑब्जेक्ट्स पर ज्यादा डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। आखिर ये ऑब्जेक्ट्स इसी ने तो बनाए थे। रूबी से पावर्स वापस मिलते ही मॉर्फियस ने जॉन को पीसफुल सपनों की दुनिया में बंद कर दिया। माना कि जॉन ने जो किया वो गलत था, बट एक्चुअल में तो ये सब मॉर्फियस के रूबी नेकलेस की वजह से ही हुआ था। जॉन तो बस एक इंसान है जो रूबी जैसे पावरफुल आर्टिफैक्ट से करप्ट हो गया। इसलिए मॉर्फियस ने जॉन को मारने के बजाय असाइलम वापस भेजकर हमेशा हमेशा के लिए चैन की नींद सुला दिया। फिर हमने देखा कि डिजायर सीक्रेटली मॉर्फियस की सारी हरकतों पर नजर रखे हुए थे, और यहां होता है एपिसोड 5 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन।